कॉम्प्लेक्स प्लेन चूंकि जिस तरह हर आम कस्टमर को ज्यादातर को ग्राफ के ऊपर शो करते हैं, समटाइम कॉम्प्लेक्स प्लेन के, अच्छा मैं आपको उसके डिफरेंट नेम भी बताती हूँ, एक इसको हम आर्गन प्लेन भी कहते हैं और जस्ट आर्गन सी भी कहते हैं, आर्गन कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, तो बाजू का डिफरेंट नेम होते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहे थे इसलिए मैं दूसरा नेम यूज कर रही हूँ। तो जिस तरह हम हर वैल्यू को शो करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल एक्सिस और परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी एक्सिस होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं ए प्लस बी आयोटा, या फिर आप ये बार लिख लें एक्स प्लस वाई आयोटा, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस तरह जरूर समझ सको। तो हम जैसे एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, जस्ट एक सिंपल सी वर्टिकल लाइन में बना रही हूँ, ये इसका ओरिजिन होता है, ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और इस साइड पे इसकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। मैम नजर नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे कर लो। अब जो ये एक लाइन में ड्रा की है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस साइड पे नेगेटिव होती है, ये जीरो का साइन होता है और ये एरो ये शो कर रहे होते हैं कि ये इस साइड पे बढ़ रहा है और ये इस साइड पे बढ़ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन को हम x का नाम देते हैं, ए बी सी हो तो ए का नाम दे लेते हैं, एक्स वाई जी हो तो x का नाम दे लेते हैं, क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है तो ये x पॉजिटिव होता है, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये x नेगेटिव को शो करता है। इसी तरह एक वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से, तो ओरिजिन यही होता है जीरो। यहाँ पे जो ऊपर लाइन है इसको पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यूज को शो करता है, ठीक है, और ये जो नीचे होता है ये नेगेटिव को शो करता है, तो जो दूसरी लाइन है हमने वाई का दे दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी जो रेशियो होती है वो एक्स प्लस वाई आयोटा होती है, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, तो इसको जब हम शो कर रहे होते हैं तो हम फर्स्ट वैल्यू को, ये फर्स्ट वैल्यू ये एक्स की होती है पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट होगी और ये वाई की, तो इसको जो हम शो करते हैं लाइन के ऊपर ए प्लस बी आयोटा, एक ये ए पॉइंट होगा जिस तुम वो वैल्यू के साथ होते मैं जिस्ट आपको भी बता रही हूँ, और ये बी पॉइंट होगा तो इनको मिला के यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। अब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन से एक नंबर लेते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे शो करते हैं, पर जस्ट सिंपल मैं एक नंबर आपको बताती हूँ, अभी जस्ट मैं आपको सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ उसका, मैं नंबर को शो करने का तरीका बता रही हूँ। ये 3+2 आयोटा है, ठीक है, ये आपके पास एक नंबर है, आपने इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे शो करना है, ग्राफ पे, जो ग्राफ होता है जो प्लेन होता है ना, इसे ग्राफ प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, आर्डिन प्लेन भी कहते हैं। तो ये है एक प्लेन, ये है एक्स पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई सॉरी ये वाई पॉजिटिव और ये नीचे नेगेटिव है, ये जीरो। अब यहाँ हम थोड़े से नंबर लिख लेते हैं, मसलन 1, 2, 3, यहाँ हम लिख लेते हैं -1, -2 एंड -3 अप टू सॉन, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है सर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, यहाँ हम लिख लेते हैं -1, 2, 3, 4। तो ये जो वैल्यू ना वाई की, सर मैं अयोटा लगा रहा हूँ बताने के लिए कि अयोटा की वैल्यू यहाँ पे शो होती है, ये सेकंड नंबर है ना वाई, तो ये 1 अयोटा 2 अयोटा यहाँ पे शो होती है। अब हमारे पास जो वैल्यू थी वो रियल नंबर 3 था और इमेजिनरी 2 था, अगर हम इसको एक्स वाई जैसे ये देखेंगे एक पॉइंट होता है एक्स और वाई, तो वो इस हिसाब से ये 3 एंड 2 इस तरह बनता है पॉइंट। हम जस्ट इस नंबर को इस रेशियो को शो करते हैं, एक्स की वैल्यू 3 है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू 3 है यानी कि ये 3, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 2 अयोटा, वो यहाँ बनता है पॉइंट, तो हमने जो पॉइंट बनाया था वो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा इधर पॉइंट बनेगा 3+2 अयोटा, समझ आई?
ठीक है। इस तरह से हम एक नंबर को जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना होता है हमने ग्राफ के ऊपर। यस मैम।